श्री राम। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सबके घर में श्री राम आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करना है, अच्छे से तैयारी करना है, दीपावली मनाना है, खुशियाँ मनानी है। और हम बड़े ही खुश नसीब पीढ़ी हैं कि हमें सब देखने और सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा ये रह गई थी, उन्हें ये सब देखने और सुनने को नहीं मिला और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें श्री राम का अच्छे से स्वागत करना है, खुशियाँ मनानी, और हम शाम में दीप भी जलाएंगे, अच्छे से पूजा करेंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में काले चने की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये सब्ज़ी हम बना रहे हैं अभी। प्याज को हमने कद्दूकस कर लिया है और बस तेज़पत्ता डालकर प्याज को भून लेना है। उसके बाद उसमें हम चने डालकर भून लेंगे। और हमने मसाला तैयार किया है, तो सूखा मसाला इसमें हमने ज़्यादा नहीं डाला है। इसमें हमने पीस लिया है अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा और कुछ खड़े मसाले। तो इसमें खड़े गरम मसाले, तो इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे। और देखिए, बस हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बस इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है। और इसमें टमाटर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर डालने से ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगता है। तो मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक मसाले अच्छे से नहीं भून जाए। फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम टू स्लो, और ढक ढक कर अच्छे से मसाले को भून लेना है। अगर मसाला अच्छे से नहीं भूनेगा ना, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी डाल के और इसे 3 से 4 भी सिलाने देंगे, क्योंकि ये चना है, तो इसे अच्छे से गला लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 4-5 भी सिल आने देंगे आराम से। आप 6 भी लगा सकते हैं इसमें, जितना भी लगाएं, ये ज़्यादा गलता नहीं है जल्दी से। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो और आज हम बनाएंगे ढोसका। तो ढोसका तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, डिटेल में वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। तो हमने ढोसका का जो भी बैटर है ना तैयार करके रख लिया था, तो इसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आदि का मन था ये। और इसके साथ हमने हरी चटनी भी बनाई है, धनिया पत्ती और टमाटर का, तो उसके साथ ना गर्म गर्म बहुत ही अच्छा लगता है। ढोसका तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जिस सब्ज़ी, आलू टमाटर, आलू बैंगन, ये सब की सब्जी साथ भी अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ ढोसका हमारा फुला फुला सा बन के रेडी हो गया। ये बहुत ही यम्मी लगता है और आदि को तो बहुत ही पसंद है, कई दिनों से बोल रहा था। तो चलिए, इस बार ना हम झारखंड में आकर झारखंड का खाना खा रहे हैं। ऐसे तो मैं बिहार में भी कई बार बना चुकी हूँ, तो ये बहुत दिनों से मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको अच्छा लगता है। तो और इस देखिए, आलू चने की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी। इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, और टमाटर के बिना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, सब्ज़ी तैयार हो गई, चटनी और ढोसका। तो चलिए, गरम गरम सबको ब्रेकफास्ट करवाते हैं और फिर थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे ना जुलूस वगैरह निकला है, तो लाइट कट गई है, पता नहीं कब तक आएगी, कोई ठीक नहीं है, देखते हैं। और देखिए, यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ढोसका हमारा बन के रेडी हो गया। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं शेयर करी, क्योंकि कई बार मैं ढोसका का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आज मैं बनाई हूँ ढोसका के साथ चना का सब्जी, काले चने की सब्जी और चटनी। आप चाहें तो इसको आलू टमाटर की सब्जी के साथ खा सकते हैं, बैंगन आलू की सब्जी के साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये झारखंड की फेमस रेसिपी है। तो चलिए, सबको गर्म है, तो उनके लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पे खीर बन रही है और लाइट चली गई है, क्योंकि जुलूस निकला हुआ है, इसलिए लाइट को कट कर दिया है लोगों ने। तो अभी वही मैं थोड़ा बहुत तैयारी की हूँ, तो लाइट आने पे ही दिखा पाऊँगी। बाहर भी हमने छोटा सा रंगोली बनाया है और यहाँ मैं दिखा रही हूँ भगवान जी के। तो लाइट तो नहीं आई, और रात में भी 11 बजे के बाद ही लाइट आई, तो लाइट की थोड़ी सी कमी हो गई थी। और देखिए, यहाँ श्री राम जी का हमने फ़ोटो एक ला के रख दिया था, और ये बाहर में हमने बनाया था। तो ये शाम का टाइम का हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था, जब बनाई थी तभी शूट कर लिया था, नहीं तो अभी तो पूरा घर अंधेरा अंधेरा हुआ था। 2-4 जेबल बल्ब है, वही जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम है। तो मोबाइल की लाइट से आदि दिखा रहा था, उसी से मैं दिखा रही थी। तो देखिए, खीर और पूड़ी हमने बनाया है, और कुछ थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह, यही मैं भोग लगा रही हूँ। तो फिर पूजा में थोड़ा सा ये लाइट नहीं रहने से ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चेंज वेंज भी नहीं कर पाई। और देखिए, हमने भोग लगा दिया, और ये देखिए, थोड़ा सा हमने छोटा सा यहाँ रंगोली बनाया था, और यही हमारे पास कुछ नए दीपक थे, तो इसी को मैं जला दे रही थी। क्योंकि यहाँ पे मैं गई थी मार्केट में लेने, तो मुझे कहीं भी दीपक दिखाई नहीं दिया, तो ये सब मिल रहे थे ना, यही कलर वाले, तो यही मैं कुछ लेकर आई। और जो मिट्टी के दिए हमारे पास मिलते हैं ना, वो नहीं मिल रहे थे।
और आदि को मैं बता रही हूँ कैंडल लेकर आओ। और कैंडल से मैंने दीपक वगैरह जला लिया अच्छे से, और जितना था उतने में हमने अच्छे से पूजा की तैयारी कर ली। और इतना ही से मुझे बहुत सुकून मिला और अच्छा भी लग रहा था। चारों तरफ पटाखे छूट रहे थे, दीपक जल रहे थे बाहर में, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने भी दो चार दीपक ऐसे ही जला दिए और भगवान जी का आरती वगैरह करके भोग हमने लगा दिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ और सुंदर है, तो जिसकी उम्मीद थी पूरी हुई। और पूरा देश जगमगा रहा है, पटाखे छूट रहे हैं, हमारे भी नीचे में सब लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ दीपक और जला ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से आज का दिन सेलिब्रेट किया होगा। तो भगवान श्री राम आए हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। तो और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलकर हम लोग दीपक जलाते हैं, और मैं अभी दीपक यहाँ जलाकर बाहर भी जलाऊँगी।